अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? इस वक्त मैं कैंट स्टेशन पे खड़ा हूँ। हम जा रहे हैं लाहौर फैमिली के साथ, एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो फिर लाहौर भी घूम लेंगे। तो मेरा ख्याल है आगे काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स बनेंगे वहाँ पे। ट्रेन 10 बजे की है, ग्रीन लाइन अभी आती है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक व्यू है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं कैंट स्टेशन कराची। बाकी मैं टिकट्स वगैरह का बता देता हूँ आपको। अभी कितने का था बाबा, एक टिकट कितने का था? टिकट कितने का था? टिकट 10,910 रुपये का। 10,000 बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास का टिकट 10,910 रुपये, और पॉलर का है 9,000। पॉलर का है 9,000। अभी बाकी सब दिखाऊंगा, क्या फैसिलिटीज़ है, कैसी ट्रेन है। लोअर एसी 6,200। हाँ और इकॉनमी 3,200। अच्छा, इकॉनमी का 3,200, ठीक सही। रात हो रही है तो इस वक्त हो सकता है लाइटिंग सही ना हो, बल्कि ज़ाहिर है ख़राब ही, क्योंकि कम यहाँ पे रोशनी कम है, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है। जी भाई दरिया, आपका क्या रिव्यू है कैंट स्टेशन के हवाले से? मैं नहीं बताऊँगा। आपने तो बहुत मुल्क घूमे हैं, तो उसके मुकाबले में कराची कैसा लगा फिर? बहुत बेकार लग रहा था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? बहुत बेकार लग रहा था, जबरदस्त, क्या बात है। हाँ भाई चाय आ गई, तो चाय पी रहे हैं भाई। चाय कितने की है? 50 एक कप, 50 रुपये का एक कप है, ठीक है। वही रेट है जो बाहर आम है, 80 रुपये है, बाहर 60 रुपये का, 70 रुपये, हाँ 70 का, तो ये 50 का सही दे रहा है, सस्ता दे रहा है। बस चाय पी के फिर बैठने जाके, मुझे डर है कि ट्रेन के निकल ना जाए, और अगर निकल भी जाए तो फिर जिस भी डब्बे में आप बैठ सकते हैं उस पर चढ़ जाए, बेहतर यही होता है कि अपना डब्बा नहीं ढूंढें। आ गई है, मैं भी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं, किस तरह से बोगियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, चल के देखते हैं। चलो चलो चलो। सीधा सीधा बहुत तंग है जगह, जो ना गली जो भी है, कॉरिडोर जो है काफ़ी तंग है, एक शख्स यहाँ से जा सकता है ठीक से। लेकिन अगर आपको मैं कमरा दिखाऊं तो ये देखें, 6 लोगों की जगह है, बीच में ये बर्थ खुल जाता है ये वाला जो है, तो फिर 6 हो जाएंगे यहाँ पे। और ये बिजनेस क्लास है, ये पंखा लगा हुआ है, लाइट है सर पे, एसी चल रहा है, यहाँ टीवी लगा हुआ है। अच्छा, इस स्टेशन की हिस्ट्री मैं बता दूँ आपको, ये कब बना था? ये बना था 130 साल पहले, और आप समझ जाए किसने बनाया होगा, चले गैस करें किसने बनाया है। ये नहीं, गैस तो करना पड़ेगा भाई आप। अच्छा अच्छा अच्छा, चढ़ जाए बस, ये वाली है, इसमें ये 10 नंबर है ना, इसमें चढ़ जाए, ये चढ़ जाए ऊपर। ये अंग्रेज़ों ने ही बनाया था 1898 में, 130 साल पहले, वरना मैं सोचता हूँ पता नहीं हमारे हाथ में होता तो हम ट्रेन भी बनाते कि नहीं बनाते। बात तो सही है। क्योंकि बुनियाद तो उन्होंने रख दी थी ना, फिर उसके बाद हमने ट्रेनें अपनी बना ली हैं। जी भाई, इस वक्त खाने का टाइम हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था खाना नहीं मिला है, तो हम अपना घर से लाए थे। और क्या बना है जरिया, क्या है ये बकरे का है ना? नमकीन गोश्त, नमकीन गोश्त अम्मी ने बनाया था, क्योंकि खाना फिर सुबह नाश्ता मिलेगा, लेकिन शायद ये जूस वगैरह दे दें इन्होंने कहा है, और अगर लेना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा साहब है, मेरा साहब कोई बात नहीं, इन्होंने 5 मिनट जो है ना मुझे बैठने नहीं दिया, शोर मचा रहे हैं, मेरा साहब है, नाम है। नहीं,
मुसलमान है। ये थोड़ी देर हैदराबाद पर रुके हम 5 मिनट के लिए, चीज वगैरह लेनी थी लेकिन उसका टाइम नहीं है। लेकिन ये अच्छा है कि अंदर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ट्रेन में जो आपको चाहे मंगवा सकते हैं, लेकिन महंगा बहुत है। लूटने का तो हर जगह इनको शौक है ना, तो वो 60 रुपये की चाय ट्रेन के अंदर 100 रुपये की है, कॉफ़ी 150 की है, तो ये लूटने का आपको पूरा इंतजाम किया हुआ है इन्होंने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा वो मैं बता रहा था, स्टाफ असल में ये सोर्स पे होते हैं, ज़्यादातर पर्ची पे होते हैं। बहुत बदतमीजी कर रहा था, हमारे भाई दूसरे डब्बे से आके बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, दूसरे में आगे इकोनॉमी में थे वो, हम बिजनेस में बैठे थे, तो उसने काफ़ी बदतमीजी की, वो आपको मैंने दिखा दिया। और उनको शर्म भी नहीं आती है, कहता है बता दो जिसको बताने, मैंने कहा वीडियो डाल दूँगा, कह रहा डाल दो। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। ज़ाहिर मेरिट पर होता तो थोड़ी सी एथिकल ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन अगर पैसे पर कोई इस तरह से भर्ती की जाती है तो फिर इनको शर्म लिहाज भी नहीं होता है। मैं तो खैर लड़ता उड़ता नहीं हूँ, पता है आपको, लड़ने वाला नहीं हूँ मैं, लेकिन कभी कभार गुस्सा आ जाता है ऐसी हरकतों पे। बस ट्रेन अब चलने वाली है तो मैं वापस चढ़ूँगा, चिप्स खा लिए तो मेरा गला ज़रा बैठ गया, चढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं वो फिल्म मुझे याद आ रही है जब भी मेट, उसमें करीना कपूर की ट्रेन छूट जाती है तो फिर वो भागती है। अब मैं ना करीना कपूर हूँ ना मुझे कोई शाहिद कपूर मिलेगा कि मुझे वो ट्रेन तक पहुँचा दे, मुझे चढ़ना पड़ेगा। रोड़ी स्टेशन पे हूँ, रोड़ी पता नहीं सिंध से मेरे ख्याल थोड़ा आगे है या पंजाब से थोड़ा पहले है, या सराइकी बेल्ट है उस तरफ है, मुझे इलाका सही नहीं पता। यहाँ पे आधा घंटा ट्रेन रुकती है, लेकिन ये है कि सर्दी बहुत है, कराची वालों की तो बहुत ही ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रही। सुबह के 5 बज रहे हैं इस वक्त, सर्दी काफ़ी है, और मैं देख रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए, कुछ चाय वाय हो जाए तो मज़ा आ जाए। शिराज भाई कितने की हलवा पूरी, कितने की है? पूरी है 50 रुपये की, मगर क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा तो कैंसिल हो गया, खा रहे हैं कैंसिल हो गया? नहीं खा रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं, चॉइस ही नहीं। अच्छा ज़बरदस्त है, बड़ा स्टेशन है वाला। वो हो गई, मैं सो गया था रात को, सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी नाश्ता आया है ट्रेन में, जरिया आपने नाश्ता शुरू कर दिया है, अब मैं भी करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिया नाश्ते में, नाश्ता ठंडा आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेहतरीन सर्विस है इनकी, उस बेहतरीन सर्विस के होते हुए ठंडा ठंडा नाश्ता इन्होंने दिया है, चाय भी ठंडी दी है और बहुत देर से दिया है। हम तो 8 बजे से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन 9 बजे नाश्ता आया है, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये डबल डबल रोटी दी है और ये अंडा है, अंडा आधा, चाय है आधा, आधा अंडा है आधा, हाँ आधा आधा। तुम भी पूरा, आप पूरा कहें बाकी का कहें, आधा तो मिला सबको भाई। अच्छा आधा अंडा दिया, हद हो गई भाई, तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। और ब्लू बैंड का ये है, जेली है, डबल रोटी किसकी, ब्राउन ब्रेड नहीं, सही है। तो बस ये है नाश्ता भाई, देख लिया आप लोगों ने, जैसा भी है खाना पड़ेगा भी अगर जिंदा रहना तो खाना पड़ेगा। चाय कब पी ना, इसको इन्फॉर्म करो सर, लेट से नहीं, नीचे से। ओहो पढ़ा पढ़ा सिक्स राउंड में करना पड़ता है, सिक्स राउंड, हां जी, लाहौर टू कराची। दिस इज खानेवाल,
कोई तरीका है मेरी मेरा गला ठीक हो जाए? मेरे गले की थोड़ी ट्यूनिंग कर रखी है। देख मैं खाने वाले और ये राजपूतों का शहर है, ठीक है? व्हाट डू नो अबाउट राजपूत्स? नथिंग। एनीवेज दे कन्वर्टेड टू इस्लाम, लेकिन इससे पहले वो राजपूत यहाँ हिंदू और ब्राह्मण हुआ करते थे, फिर यहाँ मुगल आ गए थे। तो यहाँ ट्रेन रुकी है 20 मिनट, 20 मिनट्स, राइट? आइसक्रीम आइसक्रीम, देन यू लीव। बात सोच रहा था कि हम इसमें 8 साल पहले बैठे थे इस ट्रेन में ना, उस वक्त ये नई नई बनी थी तो बहुत अच्छी थी। चाइना से आई थी नवाज शरीफ के दौर में, साद रफीक उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे। फिर अब 8 साल के बाद बैठे हैं तो बहुत फ़र्क है, वही जो पाकिस्तान में होता है कि मेंटेन नहीं करते। अब इतनी सर्दी में चादर नहीं है, चादर कंबल नहीं है इतनी सर्दी में, और उस पर एसी चल रहा है ट्रेन के अंदर। आप सोचें दिसंबर का महीना है। खाना आ गया भाई, खाना आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें तीन चीज़ें हैं, बिरयानी, चिकन और दाल, और ये एक गुलाब जामुन है, रायता भी, और ये रोटी है। रोटी कुछ बेहतर लग रही है मुझे सब में, बहुत नरम है और दाल बहुत सख्त है। दाल तो सब ठंडी हो गई, जम गई है सब चीज़, ठंडी है लेकिन दाल जम गई है इनकी। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया अच्छा, तो एक बार फिर ये खाना तो पड़ेगा, जाहिर है अभी 2.5 घंटे बाकी है। और ये है बिरयानी, शुरू करते हैं। सबसे अच्छा रायता है इसमें, क्योंकि रायता जैसा होता है वैसे ही है, लिक्विड है, करेला का लिक्विड है रायता। सबसे अच्छा सालन है, बिरयानी तो नहीं कह सकते, बिरयानी नहीं, ये चावल है चिकन, चिकन के साथ, और एक बोटी तीनों का शेयर किया है। लग रही पंजाब की बिरयानी, कराची की जैसी नहीं होगी, पंजाब की हो सकती है। ये क्या बात करता है यार। आखिर में बात की जाए अगर वॉशरूम्स की, तो वॉशरूम तो आपको पता है कि हमारी ट्रेनों में कम ही साफ मिलते हैं, तो हमें उम्मीद तो थी कि गंदे ही होंगे, तो उम्मीद पे पूरे उतरे। ये है कि पता नहीं, ये एक मसला पाकिस्तान में है, आप कहीं भी चले आप अपने टॉयलेट यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में देहाती आबादी ज़्यादा है, 60% 70% गाँव देहात है, तो इसलिए उनको नहीं पता होता कैसे इस्तेमाल करना है बाथरूम, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो वो हमें तो अब हम जाने से डर रहे थे कि पता नहीं कैसे बाथरूम होंगे, क्या है, तो है गंदे। आखिर में वो पैसे मांगने आ गए जो जमादार थे, कि भाई पैसे दो, वो जो आखिर में टिप मांगते, तो वो हमने नहीं दी। हमको पैसा चाहिए, कोई सफाई नहीं है तो किस बात की टिप है भाई, ये भी सही है, काम करोगे तो लोग खुशी खुशी आपको पैसे देंगे। तो ये बाथरूम का बड़ा मसला है, रहता है। आधा घंटा रह गया, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो चादर वगैरह कलेक्ट कर रहे, सफाई शुरू कर दी इन्होंने। फाइनली 4 बजे का टाइम है, शाम के 4 बजे हैं, और अभी अभी ट्रेन रुकी है, हम उतरे। तो यहाँ पहुँच के मेरी जबान बदल गई, वो पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लॉर नहीं देखे वो जमया नहीं, और लॉर लॉर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशन कैसा है। सही है भाई, सही है, लॉर लॉर है, ये देखें। हाँ भाई, तो लाहौर स्टेशन की पूरी हिस्ट्री है,
کسی دن آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے. بس یہ ہے کہ یہ بھی انگریزوں نے بنایا تھا, اور جب وہ غدر ہوئی تھی 1857 اس کے فوراً بعد اس کو بنایا گیا تھا. اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, بالکل وہی ہے جو برٹش بنا کے گئے نا, اسی طرح کی ہے. یہ قلعے کی طرح بنایا ہوا ہے, اوپر سپاہی بیٹھتے تھے. اب تو اتنی سیکیورٹی مجھے نظر نہیں آ رہی, لیکن بہرحال بہت بہترین بنایا ہوا ہے, کراچی سے بہت بہتر ہے. اور ظاہر ہمیں پتہ ہے کراچی سے بہتر ہی ہوگا کہ گورننس یہاں پہ اچھی ہے, وہاں تو نہیں ہے نا, آپ کو پتہ ہے.